साथियों, जब मैं आगरा अकबर का मकबरा देखने गया तब उसी के पास सिकंदर लोदी का मकबरा देखने को मिला और बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ इसे मैं देख के। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदरा के पास जो लोदी का मकबरा है उसका निर्माण 1517 में हुआ था और 17 साल पहले तक यह मकबरा महज एक खंडर की तरह दिखता था, लेकिन अब भारतीय सरकार इस पर पुनर्निर्माण कर रही है। साथियों, सिकंदर लोदी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सिकंदर लोदी, जिनके जन्म का नाम निजाम खान था, वह बहलोल लोदी के पुत्र थे। वह 1489 और 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान थे और 1489 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने उसी वर्ष शासन संभाला और 1517 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। 1570 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने उनका मकबरा बनवाया। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे में कुछ हिस्सों में प्रेरित था, जो कि लोदिन गार्डन दिल्ली में स्थित है, पर उससे पहले वे आगरा में दफना दिए गए थे। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदरा के बाहर जो ये इमारत थी, इसे बहुत पहले जहांगीर का विश्राम गृह बताया जाता था, लेकिन यह इमारत इतनी छोटी है कि किसी को नहीं लगता था कि इसमें हिंदुस्तान का बादशाह रुकता होगा। सन 2002 में इस पर काम किया तो पाया कि जहांगीर का निवास स्थान नहीं है। जांच करने पर पता चला कि यह स्थान सिकंदर लोदी का मकबरा है, क्योंकि जिस दिन सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी उसी दिन उसका बेटा इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा था। आज सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, तो यार ये तो मुमकिन नहीं है कि इब्राहिम लोदी उसी दिन आगरा आकर गद्दी पर बैठा जिस दिन सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए तथ्य यह साफ हुआ कि सिकंदर लोदी को पहले आगरा में दफना दिया गया और बाद में बेटा सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद सिकंदर लोदी के शव को दिल्ली में ले जाकर दफनाया गया। आप देख सकते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा कैसी बंजर हालत में हो चुका है, बिल्कुल खंडर हो चुका है, तो इसकी अभी मरम्मत की जा रही है। आप देख सकते हैं ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मकबरा है, और जो इसकी कब्र है वो अंडरग्राउंड है, तो अभी फिलहाल के लिए सरकार द्वारा वो बंद कर दी गई है, तो इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सकते। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।